ये जो है ये है ग्रीन वैली फॉरेस्ट पे लद्दाख का प्राणी है याक। बचपन में सब लोग पढ़ते थे ना स्कूल में। ओके सो 1891 में महाराजा पटियाला ने इसको बनवाया था। 1972 में हिमाचल गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर में टेक ओवर किया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई एम श्योर आप सब लोग मस्त हो गए और आज हम एंजॉय कर रहे हैं अपना खाकरा और रास्ते में है चहल की ओर। चहल जो है शिमला से लगभग 2 घंटे की दूरी पे एक स्पॉट मौजूद है जहाँ पर पुराने ज़माने में जो कि राजधानी हुआ करता था इस पूरे पर्टिकुलर एरिया की, जहाँ पर मौजूद है पैलेस जहाँ पर राजा साहब रहा करते थे और उसके थोड़ा सा ही आगे काली टिब्बा टेम्पल भी मौजूद है, वहाँ पर भी आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं। ठीक है, सो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और एंजॉय कीजिए शिमला की वादियों। हेलो दोस्तों, पीछे जो आप हमारे देख रहे हो काफी ब्यूटीफुल स्पॉट है। शिमला से जब आप कुफरी की तरफ जाते हो या चहल की तरफ जाते हो तो पीछे आपको ये मिलेगा। यहाँ पे आके आपको पिक्चर करवाना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स आपके यहाँ पे आने वाले हैं। ये जो है ये है ग्रीन वैली फॉरेस्ट, पूरे वर्ल्ड का सेकेंड थिकेस्ट जो है ग्रीन फॉरेस्ट है ये, और कई सारी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग यहाँ पे होती है। हीरोइन आपने देखा होगा पेड़ से चपक के इधर उधर जो घूमती है वो यही जगह है। तो आप जब भी यहाँ पे आए फोटो क्लिक करवाना ना भूलें। ये लद्दाख का प्राणी है याक। बचपन में सब लोग पढ़ते थे ना स्कूल में, है ना, और इसका जो है वो दूध निकाला जाता है और याक का जो है दूध लद्दाख के लोग यूटिलाइज भी करते हैं। भैया से अभी हमने पूछा, वो बता रहे थे बहुत ज्यादा गर्म रहता है, नॉर्मल इंसान इसको दूध को पचा नहीं सकता है और इसके बाल बहुत शानदार। ये दोनों मेल हैं भाई साहब, ये वाला ज्यादा स्मार्ट लग रहा है आपको ये वाला इसके बाल एकदम मतलब बिल्कुल आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है ना, एकदम बिल्कुल घुंघराले वाले है ना, करली बाल है इसके। शीन शीन भाई साहब शानदार, हाथ लगा लू मारेगा तो नहीं, और गजब बहुत शानदार है, इसे एक नंबर लग रहा है, मतलब अलग ही फील। सर ये जो आप देख रहे हो ये एरिया सारा कुफरी वाला एरिया है। यहाँ पर भी आपको बड़े बड़े पेड़ देखने को मिल जाएंगे। ऊपर जाने के लिए यहाँ पे आपको घोड़ों का यूज करना पड़ता है और ऊपर जाकर एडवेंचरस एक्टिविटीज बहुत सारी होती हैं, वो भी आकर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो घूम सकते हैं, देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। आप अगर चहल की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में ग्रीन वैली और कुफरी ये दोनों आपको मिलेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था आ चुके हैं हमने डेस्टिनेशन पे चाइल्ड पैलेस जो है वहाँ पे आ चुके हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर हम आपको बताएं तो भाई साहब जब अंग्रेज़ों ने आतंक मचाया हुआ था, है ना, और महाराजा पटियाला जो थे उनकी जो राजधानी थी शिमला उससे उस पर कब्जा करके जब अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में लिया तो उन्होंने बोला किसने, महाराजा पटियाला ने, भैया सिंह साहब थे, उन्होंने बोला कि हम तो अपनी अलग राजधानी बनाएंगे। तो इस जो पैलेस को उन्होंने अपनी अलग राजधानी घोषित किया था। चाइल्ड जो विलेज है यहाँ पे जो कि काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है शिमला से थोड़ा सा ही दूर है, और ये मेंशन जो है ये कोठी जो है वहाँ पे पहले से मौजूद थी, तो उन्होंने इसको अपनी राजधानी डिक्लेयर किया था और यहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया था। ओके सो अंदर जाने के लिए ये जो है ये एंट्रेंस गेट है, और आप जैसे ही अंदर पहुँचोगे आपको सुंदर सा एक हॉल एंट्री पर मिल जाएगा देखने के लिए, और 200 रुपये का इसका टिकट है। आप जाके अंदर आओगे एंटर होगे जहाँ पे इसका गेट है, 200 रुपये आपको टिकट देकर और यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पर रिसेप्शन भी आपको मिल जाएगा। ये जो है अब डेवलप कर दिया गया है एज अ होटल, ठीक है, पर जो टूरिस्ट है वो आ सकते हैं घूमने के लिए, अभी भी रॉयल्टी है उसको फील कर सकते हैं यहाँ पर आके, तो उनके लिए 200 रुपये का टिकट। ओके सो वो जो आप सामने देख रहे हो वहाँ से हम लोग एंटर हुए थे, 3 सेपरेट कॉरिडोर्स में इसको जो है सेपरेट डिवाइड किया गया है। दीवारों पर बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स लगी हुई हैं, यहाँ पे आप देखोगे ये 3D आर्ट लगा हुआ है जिसमें एक इंडियन अटायर पहने हुए महिला मक्खन धो रही है। हमको हमारी नानी की याद आ गई, वहाँ पर भी है ना नानी के घर पर भी नानी भी ऐसे ही मटके में मक्खन धोआ करती थी। ये जो आप देख रहे हो ये महारानी रूम है, और इसके बाद अगर हम चलते हैं तो ये जो है ये डाइनिंग हॉल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उस ज़माने में राजा जी यहाँ पे डाइन किया करते थे, लेकिन अभी जो है आम पब्लिक वो भी डाइन कर सकती है। ये राजकुमारी का रूम है,
इसके बाद अगर हम और आगे चले तो आप देख सकते हो ब्यूटीफुल बिलियर्ड्स का जो है वो लगा हुआ है सेंटर, ओनली फॉर रेजिडेंस है, पर हम रेजिडेंस नहीं, पर फिर भी अपन को आपको लेके जा रहे हैं अंदर। हाउ ओके सो 1891 में महाराजा पटियाला ने इसको बनवाया था, 1972 में हिमाचल गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर में टेक ओवर किया। अब ये एक बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है और लोग यहाँ पे पैसा पे करके रह सकते हैं। 75 एकड़ लैंड में ये पूरा एरिया, ये पैलेस फैला हुआ है और कई सारे इसमें अलग अलग कॉटेजेस अवेलेबल है। दूसरी बात, इसके आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो भाई साहब इंडियन स्टाइल, ब्रिटिश स्टाइल और पहाड़ी आर्किटेक्चर, ये तीनों का मिक्सचर आपको यहाँ पे इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। वाला दोस्तों, आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको घुमा रहे हैं शिमला के हिडन जेम्स, हिडन प्लेसेस, जहां पे आपको बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलेंगे। एक और जगह ऐसी हिडन है जहां पे आपका जाना ज़रूर बनता है, वो है भैया स्टोन टेम्पल। स्टोन टेम्पल का फुल वीडियो देखने के लिए आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं और बाद में हमको थैंक यू बोल सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।